दो प्रकार के अक्षर होते हैं, क्रियापद अक्षर और सामुदायिक अक्षर। सुना है आपने बच्चे, आपने सुना है सब, क्रियापद अक्षर और सामुदायिक अक्षर। दो अक्षर कौन से? क्रियापद और सामुदायिक। क्रियापद अक्षर माने ऐसा अक्षर, क्रियापद अक्षर किससे होता है, क्रियापद अक्षर का कारण क्या, योग का कंपन। बहुत बढ़िया, योग का कंपन से क्या होता है, क्रियापद अक्षर। और कषाय हुई ना, कषाय से होता है सामुदायिक अक्षर। ठीक है, क्रियापद अक्षर किससे, प्रेम प्रेम मनाती, क्रियापद अक्षर योग, और सांप्रदायिक अक्षर कषाय। योग माने तो आत्मा के प्रदेशों का क्या होना, कंपन होना, और कषायी माने क्या, मोह राग द्वेष विकारी परिणामों की उत्पत्ति होनी। बराबर। अब क्रियापद अक्षर से दो बंध होते हैं, चार बंध देखते हैं ना, समय समय का नियम सारे सुने। क्रियापद अक्षर से दो बंध, प्रकृति और प्रदेश। बराबर। और सांप्रदायिक अक्षर से दो बल, कौन से दो बल, स्थिति और अनुभव। प्रकृति और प्रदेश, प्रकृति और प्रदेश बंध योग से होता है, वो तो एक्चुअली वो बंधी ही नहीं है, समझ आ रहा है कि नहीं, वो तो खाली कर्म आए और निकल गए। कर्म आत्मा के साथ एक चित्र का संबंध किससे हुआ, सांप्रदायिक अक्षर कषाय। कषाय, कषाय ना हो तो कर्म आत्मा के साथ जुड़ेंगे कि नहीं, कषाय नहीं है तो। इसलिए तो सांप्रदायिक अक्षर के गुणस्थान कहे 1 से 10 और क्रियापद अक्षर के गुणस्थान कहे 1 से 13। आप बोलोगे 14 क्यों नहीं, 14 क्यों नहीं, 14 में अक्षर क्यों नहीं, क्योंकि योग नहीं, आत्मा के प्रदेशों का कंपन नहीं, तो कर्म भी नहीं, इसलिए 14वें गुणस्थान में कोई भी प्रकार का अक्षर नहीं। समझ आया कि नहीं, माने मूल भूत दुख का कारण क्या हुआ, कषाय। और कषाय में भी कौन सी कषाय, की चार प्रकार की है ना, नित्यात्व, अविरति, प्रमाण और कषाय, योग को छोड़ दिया। इन चार में भी जो बड़ी में बड़ी कषाय कौन सी, नित्यात्व रूपी कषाय। देखो तीन चीज होती है, एक तो होती है जड़ की क्रिया, एक होती है विभाव की क्रिया, और एक होती है ज्ञान क्रिया। कौन सी तीन क्रिया, जड़ की क्रिया, विभाव की क्रिया और ज्ञान क्रिया। जड़ की क्रिया माने क्या, जो शरीर की क्रिया, ख्याल आया कि नहीं, वो तो मेरी है ही नहीं जड़ की क्रिया तो, क्योंकि शरीर और आत्मा के बीच अत्यंत अभाव, जुदे जुदे, जाति जुदी जुदी। विभाव भाव की क्रिया माने रागादी परिणाम की क्रिया, वो आत्मा के विरुद्ध परिणाम वाली क्रिया, आत्मा के स्वभाव जैसी क्रिया नहीं। और जानी, जानने की क्रिया, जानने की क्रिया, वो मेरे स्वभाव जैसी क्रिया। जड़ की क्रिया भी मेरी नहीं, विभाव भाव की क्रिया भी मेरी नहीं, तो मेरी क्रिया कौन सी, ज्ञान क्रिया, वो मेरी क्रिया। गुरुदेव कहते हैं ना, जहां जहां आत्मा है वहां वहां ज्ञान है, जहां जहां ज्ञान है वहां वहां, क्योंकि अविनाभावी संबंध। अब दूसरा, जहां जहां राग है वहां वहां आत्मा है कि नहीं, फिर से, जहां जहां राग है वहां वहां आत्मा,
जहाँ जहाँ अड़कल जी, जहाँ जहाँ राग है वहाँ वहाँ आत्मा है, पर जहाँ जहाँ आत्मा है वहाँ वहाँ राग है कि नहीं? क्यों? कोई उदाहरण दे सकता है? कौन से ऐसे जीव है कि जहाँ जहाँ आत्मा तो है पर राग नहीं है? हाँ, राग है कि नहीं? जहाँ जहाँ राग है वहाँ वहाँ तो आत्मा है, पर जहाँ जहाँ आत्मा है बाबा राग है? ऐसा कंपलसरी, ऐसा नियम नहीं। इसलिए राग और आत्मा के बीच अविनाबाई संबंध नहीं, पर ज्ञान और आत्मा के बीच, ज्ञान और आत्मा कभी अलग अलग नहीं हो सकते, और राग और आत्मा कभी एक नहीं हो सकते। फिर से क्या कहा? ज्ञान और आत्मा कभी अलग नहीं होंगे, और राग और आत्मा कभी एक नहीं होंगे। हमको हमारे प्रयोजन की सिद्धि करनी है, हम सबको मोक्ष जाना है। कार्य तो चाहिए मोक्ष, कार्य तो चाहिए सम्यक दर्शन, पर यहाँ पे कह रहे हैं कि कार्य कुछ और चाहिए माने मोक्ष, और कारण कुछ और दे रहा है। क्या कहा? कार्य कुछ और चाहिए, और कारण क्या दे रहा है? कुछ और। कार्य तो चाहिए आनंद, कारण कार्य तो चाहिए सुख, कार्य तो चाहिए पंचम गति, कार्य तो चाहिए चार गति से मुक्ति, दुखों से छुटकारा, पर कारण क्या दे रहा है? कारण विपरीत दे रहा है ना, इसलिए कार्य नहीं हो रहा है। इनकी बहन कहते ना, जैसा कारण होगा वैसा कार्य होगा। फिर से, जैसा कारण वैसा कार्य। बोलो, आंवले का बीज बोएंगे तो आंवले का झाड़ होगा कि नहीं? आम का झाड़ होगा कि नहीं? क्यों नहीं होगा? है ना, क्योंकि कारण ही गलत दिया ना, तो कार्य कैसे होगा? ऐसे हम कारण क्या दे रहे अभी तक? शुभ भाव में हम संतुष्ट हो गए, शुभ भाव में धर्म मान लिया, तो बोलो हमको मुक्ति रूपी रमणी की प्राप्ति होगी कि नहीं? क्योंकि शुभ भाव वो मोक्ष का कारण नहीं। हालांकि मोक्ष का कारण क्या? शुद्ध भाव वो कारण, और चार गति का अभाव, पंचम गति, मोक्ष की गति, वो कार्य। जैसा कारण देंगे वैसी कार्य की उत्पत्ति होगी। कारण अनादि काल से गलत दे रहे हैं, इसलिए तो कहते हैं शुभ भाव की मंदता इतनी हुई अनंत बार। गुरुदेव कहते ना के खरो मारे अरे नीचू मनसू भबरावे, तो भी द्रव्य लिंगी मुनिराज की आंख की कोल लाल होती। इतनी कसाई की ममता किसी और में नहीं, हमने कितनी बार अनंत बार की। क्यों नहीं हुआ कार्य? किसी कारण ही गलत दिया। परिणाम से अपने को क्या मानना था? भिन्न जानना था। बंद अधिकार ने तो कह दिया ना, बंद अधिकार ने एक द्रव्य और दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं, ना मैं किसी को बचा सकता हूँ जल की क्रिया से तो भिन्न, ना मैं किसी को बचा सकता हूँ, ना मैं किसी को मार सकता हूँ, ना मैं किसी को सुखी या दुखी कर सकता। और तीसरा तो बताया, ना मैं किसी को बांध सकता हूँ, और ना मैं किसी को मुक्ति दिला सकता हूँ। किसी को बांध दूँ चार गति में, और कोई मेरे कारण से मोक्ष की प्राप्ति किसी को हो जाए, ऐसा तीन काल में संभव? वहां पे कहा अपजीव अपने परिणाम से बंधता है, और अपने परिणाम से मुक्त होगा।
जैसा परिणाम करेगा ना वैसा फल मिलेगा। भिंची बहन ने कहा ना परिणाम अनु फल ना मिले तो चौथ ब्रह्मांड को शून्य होना पड़ेगा। मायाचारी के परिणाम, कल कपट के परिणाम, क्रोध के परिणाम, हिंसा के परिणाम, तो जीव को कौन सी गति का बनेगा? नीच गति का होगा कि नहीं? शुभ परिणाम में स्वर्ग आदि की और शुद्ध परिणाम से बंध का अभाव। कभी लगता है ये परिणाम, ये परिणाम दुखदायक है, आकुलता वाले है। सुगानी जी को अनुभूति के पहले, ज्ञानियों को अनुभूति के पहले कैसी दशा हो जाती है, वह आत्मा संबंधी के विकल्प भी कैसे लगते हैं, बोझारूप लगते हैं। तो जब आत्मा संबंधी के विकल्प बोझारूप लगते हैं तो परद्रव्य के संबंध में विकल्प उसकी तो क्या बात करें। स्त्री घर कुटुंब परिवार उन संबंधी के विकल्प तो बोझारूप है ही, पर आत्मा संबंधी के विकल्प भी कैसे लगने चाहिए बोझारूप। दो भूल कर रहे हैं जीवन अधिकार, एक तो परद्रव्य की कर्ता पने का अभिमान, पहली भूल क्या करता है परद्रव्य के कर्तापने का अभिमान, मेरे बिना कुछ हो नहीं सकता है। और दूसरी भूल क्या करता है, शुभ भाव में मिठास, शुभ भाव में अटक जाता है। थोड़े से व्रत आदि कर ले, थोड़े से शुभ परिणाम हो जाए, थोड़े कटाई की ममता हो जाएगी, क्या होता है उसको, आज तो गर्म हो गया, कहाँ तक गया बोलो, मुझे कहते ना अब तक अनुष्ठान अनेक थे और छूटने का तान, कब आएगी वो दशा। भावना तो भा सकते हैं, भावना भाएंगे तो पुरस्कार होगा, सुबह में अटक जाएंगे, ये तो अनंत काल को निकल गया, ये कौन सी किसने निकल जाएगा, शुभ में निकल जाएगा। और शुभ का फल क्या है, शुभ का फल नित्याचर के साथ शुभ का फल परंपरा से ये जीव को कहा लेके जाएगा, निकोज में लेके जाएगा, कहा मोक्ष अधिकार ले विष्कूम अमृतकूम कैसे शब्द दिए है, तीन बताए ना वहां पे तीन, और प्रतिक्रमण प्रतिक्रमण और अप्रतिक्रमण, फिर से तीन क्या बताए, अप्रतिक्रमण प्रतिक्रमण और अप्रतिक्रमण। आप बोलो कि दो बार अप्रतिक्रमण आया, दो बार अप्रतिक्रमण माने क्या, वहां से पहला जो अप्रतिक्रमण कहा ना मोक्ष अधिकार में, अप्रतिक्रमण वहां पे कहा, वो कहा अशुभ भाव को अप्रतिक्रमण का, विकारी भाव शुभ अशुभ परिणाम को अप्रतिक्रमण का, अशुभ परिणाम अशुभ अशुभ पांच इंद्रियों के विषय पहला अप्रतिक्रमण, दूसरा जो प्रतिक्रमण कहा वो शुभ परिणाम को प्रतिक्रमण का दूसरा, और जो तीसरा स्थान बताया तीसरा तो क्या आया अप्रतिक्रमण, अभी तीसरा अप्रतिक्रमण क्या, पहला जो अप्रतिक्रमण कहा वो तो क्या कहा अशुभ अशुभ परिणाम, दूसरा प्रतिक्रमण कहा वो, अभी तीसरा क्या तीसरा अप्रतिक्रमण, तीसरा जो अप्रतिक्रमण कहा वो शुद्ध भाव को कहा, निर्विकल दशा शुद्धोपयोग की दशा को अप्रतिक्रमण कहा, वहां पर विस्कूम और अमृतकूम कहा, पहला जो अप्रतिक्रमण कहा
पहला वो अतिक्रमण सो अशुभ भाव, वो तो विष्कुम ही है। विष्कुम पति का राग, पत्नी का राग, पैसे का राग, धन का राग, मकान दुकान ये सब का राग, तो ये तो विष्कुम ही है। दूसरा क्या था? प्रतिक्रमण शुभ परिणाम माने देह शास्त्र गुरु की भक्ति, स्वाध्याय, पूजा, छाला लगे, वो प्रतिक्रमण के भाव सुनना। पहले अप्रतिक्रमण की अपेक्षा से वहां पे कहा, पहले जो अशुभ परिणाम कहे उसकी अपेक्षा से शुभ परिणाम, उसकी अपेक्षा से वहां पे शुभ परिणाम को क्या कहा? अमृत कुम, अशुभ की अपेक्षा। और तीसरा स्थान जो अप्रतिक्रमण कहा ना, शुद्ध उपयोग, निर्विकल दशा, उसको ये दोनों की अप्रतिक्रमण तीसरा स्थान की अपेक्षा से, शुद्ध उपयोग की अपेक्षा से पहला और दूसरा दोनों को विष्कुम कहते। तीसरा क्या कहा? शुद्ध उपयोग, निर्विकल दशा, उसकी अपेक्षा से पहले और दूसरे स्थान को क्या कह दिया? फिर चाहे वो कोई भी राग हो, पंचव्य का राग हो या गुड़गुड़ी का भेद हो, दोनों को कौन सी अपेक्षा से? आत्मा की शुद्धोपयोग, निर्विकल दशा की अपेक्षा से दोनों को क्या कह दिया? क्यों विष्कुम कहा? क्योंकि दोनों शांति को भंग करने, ख्याल आया कि दोनों चार गति में परिभ्रमण कराने, इसमें शुद्ध उपयोग की अपेक्षा, निर्विकल दशा की अपेक्षा पहले दूसरे दोनों को क्या कह दिया? विष्कुम। गुरुदेव को कहते हैं गुरुदेव की ताकत, जे भावे तीर्थंकर गोत्र बंधार, ते भाव पर विष्कुम थे। जे भावे तीर्थंकर गोत्र माने पुण्य प्रकृति में सबसे उत्कृष्ट प्रकृति, तीर्थंकर प्रकृति, और वो प्रकृति के बंध के कारण जो परिणाम है वो भी क्या है? वो विष्कुम है। है तो अपन ये जो छोटे मोटे शुभ परिणाम कर लेते हैं वो तो विष्कुम ही है, लायक नहीं, छोड़ने योग्य है, रखने लायक नहीं है। आते हैं पर उस काल में भी जानी अपने को उससे क्या मानते हैं? जिससे जानते, ज्ञानी और अज्ञानी में वही तो अंतर है कि नहीं? ज्ञानी को भाव परावर्तन है कि नहीं? ज्ञानी को भाव परावर्तन, परावर्तन ही नहीं है, भाव है शुभ अशुभ पर परावर्तन नहीं। क्यों? क्योंकि शुभ अशुभ के काल में ज्ञानी अपने को क्या जानते हैं? भिन्न जानते हैं ना, हर समय पता है ये परिणाम वाला मैं नहीं, मैं तो परिणाम के काल में भी अपरिणाम ही करता, जानने वाला तत्व, परिणाम बदले बिना रहेंगे नहीं। और जायक जायक तो जायक ही रहे, परिणाम निरंतर बदल जाएंगे। तो एक साल के परिणाम कभी रहते हैं क्या? बोलो, नहीं रहते ना, बदल जाते हैं कि नहीं? आवे सो आवन हारा, जावे सो जावन हारा, हमको कोई नहीं पूता, मैं तो हूँ जावन हारा। सुबह आए साये
अशुभ आए हैं। मैं तो हर समय उन परिणामों का मात्र जानने वाला, और अज्ञानी उन परिणामों का क्या बनता है? कर्ता बनता है। और ज्ञानी को परिणाम होने के काल में भी अपने को क्या जानते हैं? उन परिणामों से भिन्न और परिणामी और कर्ता जानते हैं। क्योंकि जहां कर्तापना होता है वहां ज्ञातापना नहीं होता, और जहां ज्ञातापना होगा वहां कर्तापना नहीं होगा। ना एक म्यान में दो तलवार, जहां कर्ता बुद्धि होगी वहां ज्ञाता बुद्धि नहीं, और जहां ज्ञाता बुद्धि होगी वहां कर्ता बुद्धि नहीं। ज्ञानी को कर्ता बुद्धि टूट गई और ज्ञाता बुद्धि प्रकट हो गई, और अज्ञानी को कर्ता बुद्धि है और ज्ञाता बुद्धि। अज्ञानी में से ज्ञानी कैसे बने? पूछा ना 19 नंबर की गणेश राय की गाथा में, अप्रतिबुद्ध मुनिराज को प्रश्न किया, हे आचार्य हम सब मैं अप्रतिबुद्ध कब तक रहूंगा? प्रश्न कहा ना बात किया ना, कब तक ये जीव अप्रतिबुद्ध रहेगा? क्या जवाब दिया? जब तक ये जीव कर्म नो कर्म और भाव कर्म में क्या करता रहेगा, कर्ता बुद्धि अपना पन करता रहेगा, तब तक वो जीव अप्रतिबुद्ध रहेगा, अज्ञानी रहेगा। और जहां कर्ता बुद्धि टूटी वहां पे ज्ञानी होने में देर लगने वाली है। अंधेरा होता है ना, अंधेरा तो किसी ने रस्सी समझकर सर्प को, रस्सी को क्या मान लिया? सर्प मान के पकड़ लिया, और जहां से प्रकाश हुआ, जिस समय प्रकाश हुआ क्या हो गया बोलो? हाथ में से क्या छूट गया? छूट गई कि नहीं? सर भ्रम टूट गया कि नहीं? ऐसे अभी तक अपन भ्रम में जी रहे हो, राग को पकड़ के बैठे, राग में एकत्व बुद्धि, राग होते ही मैं रागी, परिणाम होते ही मैं परिणाम वाला, कर्ता बुद्धि ममत्व बुद्धि एकत्व बुद्धि। और जहां सम्यक ज्ञान का प्रकाश हुआ तो क्या हुआ? राग से छूटा, राग में से क्या छूटा? कर्ता बुद्धि छूटी, एकत्व बुद्धि छूटी। राग नहीं छूटेगा, पहले क्या छूटेगा? राग की रुचि छूटेगी। हृदय की भाषा में कहे राग नो राग, राग का राग, राग का राग ही दुखता है। राग दुखता है कि नहीं? राग का राग दुखता है। राग होते ही अपने को क्या मानता है? मैं रागी। द्वेष होते ही मैं द्वेषी लिया। समय साल में कौन बुद्धि पूर्वक का राग और अबुद्धि पूर्वक का राग, करणानियों की परिभाषा अलग है, द्रव्यानियों की परिभाषा अलग है। करणानियों तो कहेगा बुद्धि पूर्वक राग माने, जो ज्ञान में पकड़ में आए उसको कहेंगे बुद्धि पूर्वक का राग, और जो ज्ञान में पकड़ में न आए उसको कहेंगे अब जीव पूर्वक। अब द्रव्यानियोग परिभाषा अलग करता है, द्रव्यानियोग बुद्धि पूर्वक का राग माने क्या? राग में एकत्व बुद्धि, उसका नाम बुद्धि पूर्वक का राग, और राग में से एकत्व बुद्धि टूटी उसको कहेंगे अबुद्धि पूर्वक का राग। ज्ञानी को अबुद्धिपूर्वक का राग है, पर बुद्धिपूर्वक का राग मैंने राग तो है पर राग में से अपने से छूट गया,
जैसे राजे से कटपुती छूट गई, गुणस्थान बदल गया, भूमिका बदल गई, अंतरंग में बहुत बड़ा क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। ज्ञानी और अज्ञानी बाहर से तो देखेंगे तो दोनों कैसे दिखेंगे, संयोग से देखें तो समान, संयोगी भाव कदाचित राग, ज्ञानी अज्ञानी दोनों दिखेंगे क्योंकि दोनों के पास राग, पर अंतर में जमीन आसमान का अंतर। अज्ञानी को जो राग है, अज्ञानी को अंतर में अंदर में राग में क्या बड़ा, और ज्ञानी को अंदर में क्या हो गया, ज्ञान के प्रति एकत्र बुद्धि हो। कहते हैं ना, हाथी के खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग। ऐसे ज्ञानी बाहर में दिखते हैं अलग और अंदर में परिणमन होता है अलग। चक्रवर्ती लड़ाई लड़ने जाता है, शेखर को जीतने जाता है, उस समय भी बोलो राजी है कि ज्ञानी है, राजी है कि ज्ञानी है, उस समय भी ज्ञानी। और एक द्रव्य लिंगी मुनिराज ने सब कुछ छोड़ के वायुमंडल में चले गए, राजी के ज्ञानी। अंतर अंदर में बहुत बड़ा अंतर है, गुणस्थल होता है गुणस्थल, पहला दूसरा तीसरा गुणस्थल, पहला दूसरा तीसरा गुणस्थल। घटता अशुभ उपयोग, अशुभ उपयोग घटता जाता है, चौथा पांचवा छठा बढ़ता शुभ उपयोग, शुभ उपयोग बढ़ता जाता है, सातवा आठवा सातवे से आगे बढ़ता शुद्ध उपयोग, और तेरहवा चौदहवा और सिद्ध दशा शुद्ध उपयोग का फल। क्या कहा, शुद्ध उपयोग का फल। फिर से पहला दूसरा तीसरा घटता, चौथा पांचवा छठा बढ़ता शुभ उपयोग बढ़ता, क्योंकि चौथे गुणस्थान में निर्विकल दशा बहुत कम समय के लिए और बहुत बड़े अंतराल के बाद निर्विकल दशा आएगी, क्योंकि पुरुषार्थ इतना इतना कमजोर है। सातवे से आगे क्या कहा, बढ़ता बढ़ता शुद्ध उपयोग। अब चौथा गुणस्थान ऐसा है, चौथा गुणस्थान बढ़ता शुद्ध उपयोग का ना, अंदर टिक नहीं सकते हैं, सुनना, इतना पुरुषार्थ नहीं हो रहा है कि अंदर ज्यादा काल तक टिके, इतना पुरुषार्थ नहीं, क्योंकि कथा कितनी गई, खाली एक ही गई अभी, खाली इतना ही अभी हुआ है, बस इतना मात्र अभी क्या हुआ बता आपको, खाली अभिप्राय का परिवर्तन है, उतना हुआ बस कि मैं शरीर वाला नहीं, मैं राग वाला नहीं, मैं तो उस समय भी दोनों का जानने वाला, ये अभिप्राय हुआ है, ये अभिप्राय का बदला। सुख भी अंश बहुत कम, अब अंदर टिक नहीं सके, अशुभ में अच्छा ना लगे तो रहेंगे कहा, रहेंगे कहा, कौन सी भूमिका रह गई बोलो, शुभ रहे, शुभ भूमिका, शुभ थी, बुद्धि पूर्वक अशुभ से हटेंगे और कहा आएंगे, और शुभ में आते ही सुनना, शुभ में आके शुभ का रस नहीं होता, शुभ में आके भी शुभ की निरंतर निरंतर शुभ की खटक और शुभ की भावना दो चीज, फिर से तीन चीज, देखो तीन चीज, जानी की दशा,
शुभ आए बिना रहेगा नहीं। शुभ पहला, दूसरा, शुभ के कार्य में भी अपने जायक को भूलते नहीं। शुभ के कार्य में शुभ की रुचि हो जाए तो गुणस्थान गिर जाए, तो चौथे में से पहले में हो जाएंगे। शुभ की रुचि हो जाए तो स्वाध्याय करते वक्त भी, हालांकि कराते वक्त भी अपने को मुख्य क्रिया परिणाम से निरंतर जानी, क्या जानते हैं, भिन्न जानते हैं। शुभ आए बिना रहेगा नहीं, शुभ के काल में भी अपने को भिन्न जानते हैं। और तीसरा, शुभ में रहते हुए भी शुद्धता की भावना भाते, शुद्ध में कब जाऊ, शुद्ध का पुरस्कार कब उतरे, ऐसे निर्विकार जगह की भावना और पुरस्कार में निरंतर तत्पर रहते। क्योंकि शुभ भाव जाता ना तो गानी जीने, शुभ भाव भी गानियों को कैसा लगता है, भक्ति सदम पढ़ने पढ़ाने का राग, भक्ति समान तो अन्य की, तो अन्य परिणाम की तो क्या बात करे। एक बार वो निर्विकल्प जैसा वो आनंद चख लिया, अब कहीं शांति नहीं, कहीं शांति नहीं, कहीं रुचता नहीं। कहते हैं ना स्वर्ग के लिए कौन सा भोजन करते है, उनका भोजन कैसा होता है, अमृत का भोजन। अब उन देवों को बोलो अपने जैसा भोजन करो, बोलो सुहाएगा उनको, नहीं अच्छा लगेगा ना। ऐसे यहाँ पे ज्ञानियों ने असुरीय आनंद का स्वाद चख लिया। आज पंडित जी ने तुझे कहा ना ज्ञान जी पंडित, एक बार क्वालिटी क्वालिटी चौथे गुणस्थान वाले की आनंद की क्वालिटी और सिद्धों की क्वालिटी में कोई अंतर, कौन सी चीज अंतर, कौन सी चीज अंतर, पर क्वालिटी में वो तीरन गति का जी उसको जो स्वाद आया, कौन सी जाति का वो सुख सिद्धों की जाति का, जाति भेद नहीं। हालांकि तीन चीज बताई ना, शुभ आए बिना रहेगा नहीं, फिर क्या कहा, शुभ के काल में भी जायक को भूलता नहीं, और तीसरा शुभ में रहते हुए भी खुद की भावना और पुरस्कार। कितना कितना फर्क है ज्ञानी और अज्ञानी में। अज्ञानी को तो थोड़ा शुभ का हो तो रस आ जाए, थोड़ा बाहर में मान सम्मान मिले तो क्या हो जाए, रस आ जाए। उसमें तो बोल है ना, दिन की बहन का याद करे, जो संसार से खरेखर थकेरा है, थका हुआ है संसार की खरेखर थाके लो जी, जो संसार से खरेखर थका हुआ है, खरेखर खरेखर में बहुत वजन है। भवनो भयजे लागीधान भगवान बनवा तैयार थान, रूचि महिमा आई जान संसार नो रस छूटी जाए। जाए की क्या बढ़ती जाए, रुचि बढ़ती जाए और संसार का रस छूटता जाए, पांच इंद्रियों के रुपयों का रस आता है ना, समय का स्थिति है।
राग अच्छा नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता? मलिन है ना, विकारी परिणाम। बोलो मलिन का किसको अच्छी लगे? एक तो मलिन है और दूसरा कहते थे कि किसे नहीं है, मलिन है। राग के परिणाम बोलो, राग के परिणाम मलिन। और दूसरा कारण क्या कहा? टिकते नहीं है, टिकेंगे बदल जाता है कि नहीं? कितना क्षणिक है। जब राग के परिणाम में टिकते नहीं तो फिर मैं संयोग की तो क्या बात करूं? परद्रव्य की तो अपन किसको आधार मान के बैठे, किसके अधीन होके बैठे? इसमें दुखी होते हैं ना, मेरा आधार कौन? ये नहीं होता तो, ये नहीं होते तो मेरा क्या होता? क्योंकि अज्ञानी ने अपना आधार किसको माना? परद्रव्य। परद्रव्य मेरा आधार नहीं, क्योंकि परद्रव्य तो नाशवान है। परद्रव्य बदले बिना रहेंगे नहीं, छूटे बिना रहेंगे नहीं। और जो नित्य है, जो त्रिकाल रहने वाला, बोलो मेरा आधार कौन? परद्रव्य मेरा आधार नहीं, पति पत्नी स्त्री गर्भ तुम मेरा आधार नहीं, क्योंकि वो तो बदले बिना छूटे बिना। मेरा आधार तो मेरा जायक, क्योंकि ना वो कभी छूटेगा और ना वो कभी बदलेगा। जो ना बदले ना छूटे कोई सच्चा आधार। जायक को आधार बनाएंगे तो कभी जीवन में दुखी नहीं होंगे, और संयोग को आधार बनाएंगे, उनके अधीन रहेंगे तो दुखी हुए बिना। मुनिराज को वन जंगल में किसका आधार? क्या करते होंगे अभी सोचते हैं। आता है ना जन्माला में नीता से गुरु की, ओ अर्जनीता का सन्नाटा, वन रे वन सारी चलते हैं तब शांत निराकुल मानस तू तत्वो का चिंतन करते हो। किसका आधार? ज्ञानियों को एक आधार था, एक के बल पे जीते हैं। किसके बल पे? टॉनिक बोलो, ज्ञानियों का टॉनिक क्या? ज्ञायक, हर समय प्रसन्न मस्ती में जीते। और अज्ञानी हर समय दुखी, ठीक है, पर क्या भी मुनिराज ऐसे वन जंगल में भी कोई दिखता नहीं आजू बाजू, कोई नहीं जंगल में। तो कौन बोलो, कौन रहते हैं जंगल में? कौन रहते हैं? बाघ शेर सीढ़ी आवाज आती है तो डर जाते होंगे ना, भग जाते होंगे ना। आया ना अपूर्व अवसर ले, संयोगो से देह को यदि सिंह भी खा जाएगा, संयोगो से देह को यदि सिंह भी खा जाएगा, उपसर्ग मेरा मित्री होगा अपूर्व अवसर उस दिन होगा।
चीजों से डर डर जाता है। छोटी छोटी चीजें, कोई थोड़ी छोटी सी प्रतिकूलता है तो बोलो डर जाते, भयभीत हो जाते। मुनिराज को देखो, जानियों को देखे, पहाड़ के लिए प्रतिकूलता आए, ये तो कुछ भी नहीं है। भाव परावर्तन है ना, भाव परावर्तन ही क्या है, चार परावर्तन का कारण। श्रीमद राजचंद्र जी ने कृपालु देव ने आत्म सिद्धि में छह पद का पत्र लिखा है। छह पद लिखे हैं श्रीमद राजचंद्र, बहुत सुंदर छह पद है। पहला पद लिखा है कृपालु देव ने आत्मा छे, पहला पद क्या लिखा, आत्मा खेल, आत्मा खेल माने आत्मा की, आत्मा का अस्तित्व है ना, मौजूद ही है ना, ये जो जानना हो रहा है ना, कौन कर रहा है जानना, वापे दिया ना उदाहरण, वापे दिया है घटपट आदि को जानने वाला, घटपट आदि नहीं जानता, घटपट आदि को जानने वाला है वो आत्मा, वो मैं। इसे आत्मा है, उसका अस्तित्व है। दूसरा लिखा आत्मा नित्य थे, नित्य थे माने आत्मा हमेशा रहेगा, सदा रहेगा, आत्मा नित्य थे, सदा काल, भूत में भी था, वर्तमान में भी हूँ और भविष्य में भी। तीसरा लिखा, तीसरा पद आत्मा कर्ता थे, क्या लिखा, आत्मा कर्ता थे, कर्ता माने जो परिणाम होते हैं ना उसका कर्ता कौन, परद्रव्य नहीं, उसका कर्ता आत्मा। अज्ञानता के अज्ञानी राग का कर्ता और ज्ञान भाव के ज्ञानी ज्ञान का कर्ता, दो चीज, अज्ञानता से अज्ञानी राग का कर्ता और ज्ञानी किसके कर्ता, माने आत्मा कौन, आत्मा कर्ता, किसका कर्ता, ज्ञान का कर्ता, जो परिणाम होते हैं उसका कर्ता आत्मा। तीन हुए, चौथा कहा श्रीमद जी ने, चौथा आत्मा भोक्ता थे, भोक्ता माने भोगने वाला। अच्छा ऐसा हो तो परिणाम कोई और करे और भोगे कोई और, हो सकता है ऐसा, परिणाम अपन करे और फल कोई और भोगे, जो परिणाम करे वही फल को हालांकि राग करे और दुख का वेदन कोई और करे, ज्ञान करे और सुख का वेदन कोई और करे, जो करता वही वही भोगता, ज्ञान का करता तो आनंद का भोगता भी वही आत्मा। क्या हुए, आत्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा करता है, आत्मा भोगता है। पांचवा कहा मोक्ष है, क्या है, मोक्ष है, क्योंकि अभी तक जितने भी संसार से छूटे और कहा गए, माने मोक्ष क्या है, सत्ता है कि नहीं, संसार है तो संसार से छूटने का है कि नहीं, माने मोक्ष भी है और मोक्ष है तो सच्चा बताया कि मोक्ष का उपाय भी है, मोक्ष है तो मोक्ष का उपाय भी है, उपाय क्या, मोक्ष का उपाय, मोक्ष का उपाय है मोक्ष मार्ग,
क्या कहा? मोक्ष का उपाय मोक्ष मार्ग, क्योंकि जो मोक्ष मार्ग में लगेगा उसको नियम से मोक्ष होगा होगा और होगा। एक चीज बताइए, आत्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा करता है, आत्मा भोगता है, मोक्ष है, मोक्ष मार्ग भी है, सब कुछ है। बोलते ना संसार पूर्वक ही मोक्ष, संसार ही नहीं होता तो मोक्ष कहाँ से होता? दुख है तो दुख से छूटने का उपाय भी एक ही चीज है, दुख से छूटने का कौन सा? अपना जायर, जायर के आश्रय से संसार का अभाव, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति, तीन स्थान है ना, संसार मार्ग, मोक्ष मार्ग और मोक्ष। अनादि काल से भी संसार मार्ग है, मोक्ष मार्ग में आया तो नियम से कहा जाएगा नियम ही मोक्ष ले, तीन दशा और कोई दशा नहीं, तीन दशा के अलावा और कोई दशा नहीं, और इस तीनों दशा में एक टिकने वाला कौन? एक जात, बाकी सब बदल जाएगा, उदय भी बदल जाएंगे, साता के उदय और असाता के उदय बदल जाएंगे कि नहीं? कितना सुंदर एक बोल है मुंशी रंग का, साता के उदय और असाता का उदय, ज्ञानी को भी आता है और अज्ञानी को भी आता है, पर देखना दोनों में अंतर देखना अभिप्राय। अज्ञानी को साता का उदय आया, साता माने बारे में सब अच्छा, तो अज्ञानी का अभिप्राय क्या है? अभिप्राय ये सब ऐसा ही बना रहे, ऐसा ही बना रहे, और असाता का उदय आया अज्ञानी को, कहीं कोई कोई दो शब्द खराब बोल दिए, कहीं शरीर में रोग आ गया, कोई अपने अनुकूल ना चला, कोई संयोग का वियोग हो गया, तो क्या क्या अभिप्राय है अज्ञानी का? असाता कब चले और साता कब आए? राज क्या है रा? कि साता कब चले, असाता कब चले और साता कब आए? अज्ञानी का अभिप्राय, ज्ञानी को भी साता और असाता आए, ज्ञानी को साता के उदय में, साता के उदय में अपने को साता के उदय से बड़ा नहीं मानते, साता के समय में भी अपने जाय को नहीं छोड़ते, और असाता का उदय आया तो क्या करते? उसके लिए एक उदाहरण दिया उनकी गई में, जैसे कोई बच्चा होता है मेले में जा रहा है, बहुत भीड़ होती है, मम्मी का उस बच्चे ने पल्लू पकड़ा है और सामने से कुछ डरावनी चीज आए तो बच्चा क्या करता है? मम्मी के पल्लू को जोरदार पकड़ दे, जोरदार। ऐसे ज्ञानी ने साता के उदय में तो गायक को नहीं छोड़ा, पर असाता के उदय में भी क्या कर लिया? जायद को जोरदार पकड़ लिया। अंतर है जानी और अज्ञानी, अपने को जायद जायद के तली, जायद की जायद की छत्र छाया में जानी हम हमेशा अपने आप को कैसा मानते हैं? सुरक्षित मानते हैं। कहते हैं ना कोई कि कोई पुत्र होता है माता की गोदी में, पुत्र कैसा? निर्भर, निश्चिंत। ऐसे ज्ञानी जायर की शरण में निर्भर, तुझे पता है जगत में कोई शरण बुझे स्वयं संज्ञान भी बदल जाएगा, और औदय भाव भी, भाषा वर्णना भी, जगत
उसके जीव तो और ही भाव से देखे, अज्ञानी किससे देखेंगे? और ही भाव से, और ज्ञानी किससे देखेंगे? जायज की दृष्टि, अपने को भी पारिणामिक भाव और दूसरों को भी। जायज को देखेंगे तो परिणाम भी नहीं बिगड़ेंगे और क्रिया भी सुधरे बिना नहीं बिगड़ेगा। हो गया भाव परावर्तन चालू करना था, भाव परावर्तन कल करेंगे उसको पूरा, चालू भी कल ही करेंगे। भाव परावर्तन माने शुभ और अशुभ परिणाम जो हो रहे उसके कारण से भी भाव परावर्तन करता है। अब उसके भी चार भेद है, पर वो चार भेद क्या है, उसकी गिनती कैसे करते हैं, करना नियोग में पूरा उसका पूरा बताया है कि जैसे हमने द्रव्य परावर्तन कैसे गिना ना, क्षेत्र काल भाव कैसे गिना, जैसे भाव परावर्तन को गिनने के लिए भी आचार्य देव ने आगम ने चार स्थान दिए हैं, और वो चार स्थान के माध्यम से एक भाव परावर्तन कितना बड़ा होता है, कितना बड़ा, क्योंकि सबसे बड़ा जो है वो भाव परावर्तन है। एक भाव परावर्तन में पूरा होने में कितना काल लगता है, और इसका कारण एक ही है कि शुद्ध और अशुद्ध दोनों परिणाम को अपना मानना, उसमें एकत्र बुद्धि करना, वही भाव परावर्तन का कारण है। और जब ज्ञायक में एकत्र बुद्धि हुई तो भाव परावर्तन टूटे बिना रहेगा नहीं। तो अब भाव परावर्तन को कैसे गिनेंगे, क्या है उसका स्वरूप, वो अपन कल के पर्व में देखेंगे। अपने जीवन में भी ये सारे जाय के आश्रय से सारे परावर्तनों का अभाव हो और साथी परिवार के लिए भी सारे।